वेलकम टू स्टडी आई कैन दार्ट ऑफ अन अकेडमी स्टूडेंट्स आज हम मध्य प्रदेश जीके के पार्ट नंबर थ्री में करेंगे मध्य प्रदेश के गठन को कंटिन्यू देखिए पार्ट वन और पार्ट टू में ऑलरेडी मैं बहुत कुछ इसके बारे में करवा चुका हूँ आज जो बचा हुआ है वो हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे तो पार्ट थ्री आप एंड तक जरूर देखते रहें क्योंकि आज हम राज्य पुनर्गठन आयोग और उससे संबंधित और भी जो भी जानकारियाँ हैं वो सब कुछ हम देखने वाले और ये बैच आप लोगों के लिए जेल प्रहरी स्पेशल बैच है आप सभी को पता है कि 20 नवंबर से आपका जेल प्रहरी की परीक्षा स्टार्ट हो जाएंगी तो उससे पहले हमें कोर्स कंप्लीट करना है तो आपको डेली क्लास अटेंड करनी पड़ेगी तो चलिए हम आगे देखते देखिए किस प्रकार से मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि मध्य प्रदेश के जो कई भाग ऐसे थे जिनको पार्ट ए स्टेट में देखिए भारत के बहुत सारे भाग थे जिनको पार्ट ए में पार्ट बी में पार्ट सी और पार्ट डी में बांटे गए थे है ना तो लेकिन अभी हम सिर्फ पार्ट सी और तक की ही बात करते हैं डी हमारे काम का नहीं है या इसको हम हिंदी में बोलेंगे भाग ए भाग बी और भाग सी में बांटा गया पूरा भारत जिसमें मध्य प्रदेश के हिस्से भी कुछ इस प्रकार से बांटे गए थे तो पार्ट ए में मध्य प्रदेश पार्ट बी में मध्य भारत पार्ट सी में विंध्य प्रदेश अब ये जो भारत को इस प्रकार से देश आज़ाद हो चुका है और जो सरकार ने इस प्रकार से पार्ट ए भाग ए भाग बी भाग सी में बांट के रखा था अब इन पर ये प्रशासनिक तौर पर असल में ये बांटे गए थे किस तौर पर प्रशासनिक तौर पर कहाँ पर कैसे शासन किया जाएगा ये प्रशासनिक तौर पर बांटे गए थे ठीक है लेकिन बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी कि भाई हमारे जो है राज्य को या हमारे क्षेत्र को भाषा के आधार पर बांट दिया जाए ये पूरे भारत में ये एक डिमांड थी कि भाई भाषा के आधार पर सरकार से जनता डिमांड कर रही थी कि भाषा के आधार पर जैसे कि अगर बात करें हम तो साउथ की तरफ जाते हैं तो साउथ में आपने देखा होगा तमिल भाषी बहुत सारे क्षेत्र हैं तेलुगु भाषी क्षेत्र हैं तो ये सब चाहते थे कि भाई हमें हमारे जो क्षेत्र है उसको एक भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए तो इसी के लिए मध्य प्रदेश में सबसे पहले 1948 जून 1948 में एस के धर समिति बनाई गई और इस एस के धर समिति का काम ये था कि आपको करना ये है कि क्या आपको एक रिपोर्ट पेश करनी है और उस रिपोर्ट में ये बताना है कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं तो इस समिति का काम यही था तो इस समिति ने क्या किया इसके आधार पर सर्वे करना स्टार्ट किया और इसके इस अध्यक्ष थे एस के धर एस के धर इसके अध्यक्ष थे इसीलिए इसका नाम था एस के धर समिति और इसने अपनी रिपोर्ट पेश करी दिसंबर के महीने में जून में इन्होंने ये समिति बनाई और दिसंबर में रिपोर्ट पेश कर दी और इन्होंने कहा कि भाई भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए जा सकते एस के दर समिति ने ये रिपोर्ट दे दी अब इस रिपोर्ट को आने के बाद क्या हुआ कि एक नई और समिति बनाई गई जे समिति असल में इस रिपोर्ट को कुछ संशय था इस रिपोर्ट में कुछ डाउट था क्या वाकई में भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए जा सकते तो इसकी जांच के लिए एक और समिति बनती है जे समिति उन्नीस सौ में मतलब उसी उसके बाद ही तुरंत जे समिति बनाई जाती है और इस जे समिति के मेंबर होते हैं जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल और पट्ठा भी सीतारमैया जैसे जे का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब पट्ठा भी सीतारमैया तो ये तीनों इसके अध्यक्ष होते हैं और ये इस एस के धर समिति जिसने अभी हाल ही में रिपोर्ट पेश करी है हाल ही में मतलब कि 1948 में रिपोर्ट पेश करी थी उसकी जांच करने के लिए ये जे समिति बनाई जाती है और ये इस रिपोर्ट की जांच करते हैं और इनको पता चलता है उन्नीस में ही अप्रैल उन्नीस में ये समिति अपनी रिपोर्ट पेश करती है और ये भी क्या बोल देती है कि हाँ बिल्कुल सही जो एस के दर समिति ने कहा है वो सही बात है भाषा के आधार पर राज्य नहीं बन सकते ये चीज़ पॉसिबल नहीं है अब ये चीज़ जो है जनता को पता चलता है तो जनता क्या होती है आक्रोश में आ जाती है जनता में असंतुष्टता फैल जाती है अब क्या होता है कि कई जगह आंदोलन चलने लगते हैं और कई जगह इसके डिमांड करने लगते हैं कि हमें भाषा के आधार पर ही राज्य चाहिए उनमें से एक स्थिति होती है सबसे बड़ी स्थिति कहाँ पर आंध्र प्रदेश में तो आंध्र प्रदेश में क्या होता है आंध्र प्रदेश में वहाँ के जो एक समाजसेवी होते हैं श्री रामुल्लू जी पोट्टा पोट्टा श्री रामुल्लू है ना उनका नाम है तो पोट्टा रमैया श्री रामुल्लू उनका पूरा नाम है तो श्री रामुल्लु कहीं जगह लिखा होता है तो उन्होंने अनशन करते हैं वो अनशन पर बैठ जाते हैं भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और इस प्रकार वो भूख हड़ताल पर बैठते हैं और छप्पन दिन का अनशन करते हैं कितने छप्पन दिन और इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है अनशन करते करते भूख हड़ताल करते करते उनकी मृत्यु हो जाती है और जनता में एक आक्रोश और ज़्यादा भड़क जाता है चारों तरफ जो है हिंसा फैलने लगती तो इसको देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू करते क्या हैं वो दिसंबर उन्नीस को जो है उन्नीस 19, दिसंबर उन्नीस को नहीं उन्नीस में क्या करते हैं उन्नीस में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बना देते हैं आनंद फानन में क्या करते हैं आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बना देते हैं अब आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर उन्नीस में राज्य तो बना दिया लेकिन अब कहानी ये अटकती है कि बाकी जगह के लोग भी क्या करते हैं डिमांड करते हैं कि हमें भी हमारा राज्य भी भाषा के आधार पर बनाया जाए हमारे राज्यों को भी भाषा के आधार पर बनाया जाए तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए फिर उन्नीस में ही बनाया जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग क्या बनाया जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग तो देखिए ये आयोग आता है दिसंबर उन्नीस में तो दिसंबर उन्नीस में आता है और आंध्र प्रदेश को एक अप्रैल उन्नीस में पहले ही राज्य बना दिया जाता है समझ गए? उन्नीस में पहले ही राज्य बना दिया जाता है भाषा के आधार पर तो राज्य पुनर्गठन आयोग आता जब आता बाद में पहले इसको आंध्र प्रदेश को जो है तेलुगु भाषी राज्य बना दिया जाता है उन्नीस में आता है आपका दिसंबर में राज्य पुनर्गठन आयोग अब इस आयोग का काम ये रहेगा कि ये पूरे भारत में अलग अलग राज्य बनाए गए और अलग अलग कितने ऐसे राज्य बन सकते हैं जो कि भाषा के आधार पर होंगे इस आयोग का काम ये रहेगा तो भाषा के आधार पर अब राज्य बनना स्टार्ट हो जाएंगे जो कि अभी भी अब हम भाषा के आधार पर ही राज्य हैं अभी भारत में ठीक है तो ये काम स्टार्ट किया गया था उन्नीस में तो आपको मैं बता दूँ कि इसके अध्यक्ष थे फजल अली फजल अली इसके अध्यक्ष थे राज्य पुनर्गठन आयोग के आपसे परीक्षा में पूछा जाता है और इसके एक दो और सदस्य थे एक ए, थे हृदयनाथ खुंजरू और दूसरे थे के एम पणिकर तो ये भी याद रखना है आपको हृदयनाथ खुजरू और के एम पणिकर और इस आयोग का काम ये था कि राज्य को भाषा के आधार पर राज्यों का गठन तो इन्होंने इसकी अपनी रिपोर्ट पेश करी उन्नीस में देखिए दो साल बाद रिपोर्ट पेश करी है इन्होंने उन्नीस में तो ये बना दिया गया है आयोग और उन्नीस में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी उन्होंने रिपोर्ट में ये बोला कि भाई चौदह राज्य और छः केंद्र शासित प्रदेश बनाए जा सकते हैं भाषा के आधार पर कितने चौदह राज्य और छः केंद्र शासित प्रदेश परीक्षा में पूछा जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश प्रस्तावित किए गए थे तो ये किए गए थे चौदह राज्य और छः केंद्र शासित प्रदेश किसी हद तक इनकी ये जो है बात मान ली गई है राज्य पुनर्गठन आयोग की और सरकार जो है इसके अंतर्गत भाषा के आधार पर राज्य का गठन कर देती है अब भाई भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना इतनी आसान बात नहीं थी संविधान में भी संशोधन करने पड़ेंगे क्योंकि 1950 में तो हमारा संविधान आ चुका था और ये उन्नीस की कहानी चल रही है नाइनटीन की कहानी चल रही है तो संविधान में भी संशोधन करना पड़ेगा तो इस प्रकार से संविधान में साधवा संशोधन किया जाता है जो कि उन्नीस में होता है साधवा संविधान संशोधन अब ये साधवें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य केंद्र राज्य राज्ञ तथा केंद्र शासित श्रेणियां बनाई जाती हैं अभी तक तो प्रशासनिक तौर पर राज्य थे लेकिन अब संविधान संशोधन में संविधान में संशोधन करके उन्नीस में वहाँ पर एक नई लिस्ट जोड़ी जाती है नई सूची जोड़ी जाती है राज्य तथा केंद्र शासित श्रेणी इस श्रेणी के अंतर्गत मध्य पूरे भारत में भाषा के आधार पर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाएंगे चलिए आगे हम बात करते हैं किस प्रकार से 1956 में ये बनाए तो कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है देख लीजिए एक नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग उन्नीस द्वारा मध्य प्रदेश की स्थापना की गई तो देखिए उन्नीस में आयोग बनाया गया था भाई कंफ्यूज नहीं होना आयोग कब बना गया उन्नीस में अब कोई सा भी आयोग कोई सी समिति बनती है उसको समय लगता है ना असली काम करने में बिल्कुल इसको समय लगा उन्नीस से लेकर उन्नीस तक लग गए कितने दो साल लग गए इनको है ना तीन साल लगभग लग गए लग तीन साल बाद ये बनाते हैं एक नवंबर को बहुत सारे राज्य ठीक है एक नवंबर 1956 को राज्य बनाते हैं जिसके अंतर्गत ये मध्य प्रदेश को भी एक भाषा के आधार पर हिंदी भाषी क्षेत्र या हिंदी भाषी राज्य इसको बनाते हैं और जब यह हिंदी भाषी राज्य बनता है तो इसका इतना बड़ा क्षेत्रफल होता है देख लीजिए आप देख सकते हैं पहले से तो मध्य प्रदेश कुछ इस प्रकार का हो चुका था ये पूरा मध्य प्रदेश था जिसमें हमने बात करी थी पार्ट ए पार्ट बी और पार्ट सी की अब यहाँ पर हिंदी भाषी क्षेत्र में तो लगभग सभी जगह हिंदी भाषा बोली जाती थी तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई लेकिन यह नीचे महाराष्ट्र के कुछ नीचे नीचे जो क्षेत्र थे यहाँ पर मराठी भाषी क्षेत्र थे कितने थे मराठी भाषी क्षेत्र आठ ऐसे मराठी भाषी क्षेत्र थे ये वाले देख सकते हैं आप ये लिखे हुए बुलढाना अकोला अमरावती यवतमाला वर्धा नागपुर भंडारा और चांदा ये क्षेत्र में मराठी भाषा बोली जाती थी।, थी तो क्या किया गया कि ये क्षेत्र महाराष्ट्र को दे दिए गए अब भाई भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएंगे ना जैसे कि अगर हमारे मध्य प्रदेश में जहाँ पर मराठी बोले जा रहे हैं तो उनको महाराष्ट्र वालों को दे दिया जाएगा जहाँ पर हिंदी बोले जा रहे हैं तो उसको अपने पास ले लिया जाएगा जो अपने आसपास जुड़े हुए हैं ठीक है थीके? इस तरह से क्या किया गया मराठी भाषी क्षेत्र महाराष्ट्रीय बोलने वाले आठ ऐसे क्षेत्र थे ये देख लीजिए यहाँ पर लिखे हुए इनको दे दिया गया महाराष्ट्र को और देखिए अब नॉर्मल सी बात देना तो पड़ेगा तो दे दिए इन्होंने अब यहाँ पर एक चीज़ और बदलाव हुए देखिए महाराष्ट्र में कितने गए आठ गए अब एक और बदलाव हुए राजस्थान से कुछ लेन देन का काम हुआ तो राजस्थान का जो मंदसौर ज़िले की भानपुर तहसील का सुनील टप्पा जो है वो राजस्थान को दे दिया गया हमारे मध्य प्रदेश में आता है ना मंदसूर यहाँ पर तो मंसूर की एक मंदसूर ज़िले की भानपुर तहसील एक तहसील है छोटी सी जिसका नाम है भानपुर यह मंदसूर ज़िले के अंतर्गत आती है इसका एक सुनील टप्पा नाम का छोटा सा कस्बा जो है वो राजस्थान को दे दिया क्योंकि यहाँ पर जो है राजस्थानी भाषा बोली जाती थी तो राजस्थान को दे दिया गया अब राजस्थान से कुछ लेने का काम आया तो राजस्थान के कोटा से सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया राजस्थान के कोटा ज़िले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा ज़िले के अंतर्गत इसको मिला लिया गया तो ये कुछ छोटे से दो बदलाव हुए थे एक था महाराष्ट्र में आठ मराठी भाषी क्षेत्र दे दिए दूसरा राजस्थान से राजस्थान को सुनील टप्पा दे दिया गया और सिरोंज वहाँ से ले लिया गया तो सुनील टप्पा कहाँ से दिया गया भानपुरा तहसील जो कि मंदसौर की यह हिस्सा थी उसको राजस्थान को दिया गया और सिरेंज को विदिशा में मिला लिया गया तो ये कुछ सिंपल से बदलाव किए गए और मध्य प्रदेश हमारा हिंदी भाषी क्षेत्र बना दिया गया जिसमें शुरुआत में तिरालीस जिले और आठ संभाग बनाए गए वेरी याद रखना राज्य पुनर्गठन आयोग के समय मध्य प्रदेश में तिरालीस जिले और आठ संभाग थे यह आपसे पूछा जा सकता है और उस समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था चार लाख तिरालीस हजार चार सौ छियालीस वर्ग किलोमीटर ठीक है तो ये इसका क्षेत्रफल था मुख्यमंत्री बनाए गए थे पंडित रविशंकर शुक्ल और राज्यपाल थे पट्ठाभी सीता रमैया तो ये राज्यपाल थे हमारे मध्य प्रदेश के पहले तो याद रखना ये पूरा फैक्ट आप स्क्रीन ले लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट हम बात करेंगे एक नवंबर उन्नीस को जैसा कि मैंने आपको बताया शुरुआत में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो तिरालीस जिले और आठ संभाग थे अब धीरे धीरे क्या है हिंदी भाषा क्षेत्र तो बन गए भाई अब क्या हुआ अलग अलग क्षेत्र में लोग अपने अपने जगहों को ज़िला बनाने की अब मांग करने लगे कि हमारे क्षेत्र को ज़िला बना दिया जाए भाई क्योंकि ज़िला बनता है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं नई नई चीज़ें वहाँ पर बनती हैं नए नए वहाँ पर जो है कार्यालय खुलते हैं रोजगार भी बढ़ता है तो जिला जो बनना काफ़ी अच्छी बात हो जाती है तो इसलिए इसकी डिमांड करने करने लगे लोग बाग और 1956 के बाद जब हम आते हैं उन्नीस में तो 26 नवंबर उन्नीस को मध्य प्रदेश में दो नए और जिले जोड़े जाते हैं और तो टोटल मध्य प्रदेश में हो जाते हैं तिरालीस से 45 जिले ये कौन से दो नए जिले जोड़े, जोड़े, जोड़े जाते हैं भोपाल और राजनंदगांव तो देखिए भोपाल और राजनंदगांव साथ में बनाए गए हैं ज़िले याद रखना है तो भोपाल को सीहोर से अलग करके बनाते हैं और राजनंदगांव को दुर्ग से अलग करके बनाते हैं अच्छा भोपाल राजधानी मध्य प्रदेश की शुरुआत में ही बना दी गई थी ठीक है जब नया मध्य प्रदेश बना था तो भोपाल राजधानी बनाई गई थी लेकिन भोपाल अपने आप अप में एक जिला नहीं था उस समय सीहोर की एक तहसील हुआ करता है लेकिन 1972 में भोपाल एक जिला बनाया गया सीहोर से अलग करके और गांव भी बनाया गया आगे हम बात करेंगे जिला पुनर्गठन आयोग तो भाई नॉर्मल सी बात है जिलाओं के लिए भी आवाज़ उठने लगी तो अब सरकार ने एक और आयोग बना दिया जिला पुनर्गठन आयोग यहाँ पर जिले बनाए जाएंगे तो ये उन्नीस सौ में बनाया गया जिला पुनर्गठन आयोग डेट याद रख लेना और 24 मई 1983 में इसकी रिपोर्ट आ गई इन्होंने रिपोर्ट पेश करी तो यहाँ पर एक खेल ये हुआ कि भाई जिला पुनर्गठन आयोग में एक चीज़ ये हुई कि 1983 में जो ये जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया इसके अध्यक्ष बनाए गए पी.बी. पी बी दुबे पी बी दुबे की अध्यक्षा में 1983 में जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया याद रखना है और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी 1998 में 1998 में मतलब पाँच साल लग गए इनको रिपोर्ट पेश करने में और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी और इन्होंने कहा कि भाई मध्य प्रदेश में दस नए जिले बनाए जा सकते हैं ठीक है इन्होंने पाँच साल लगा दिए बी दुबे ने ये रिपोर्ट पेश करने में ताकि और इन्होंने कहा दस नए जिले बनाए जा सकते हैं तो दस नए जिले बनाए गए और इन दस नए ज़िलों में अभी वर्तमान में अभी हमारे मध्य प्रदेश में चार ही बचे हैं बाकी छः जो है छत्तीसगढ़ आगे चल के अलग हो जाएगा तो छः वहाँ चले जाते हैं ठीक है लेकिन याद रखना आपको दस नए ज़िले बने तो कितने हो गए पैंतालीस से पचपन हो गए क्योंकि दस जोड़ दिए गए पैंतालीस थे ना अभी तक उन्नीस सौ बहत्तर में दस और नए ज़िले बने तो भाई पचपन हो गए आप देखिए कौन कौन से ज़िले थे जो आपको याद रखना है अभी मध्य प्रदेश में है वो छत्तीसगढ़ वाले मत याद रखें तो देखिए बड़वानी को पश्चिमी निवाड़ बड़वानी बनाया गया जिसको पश्चिमी निवाड़ से अलग किया गया शिवपुर को मुरैना से अलग किया गया डिंडोरी को मंडला से और कटनी बनाया गया जबलपुर से अलग करके तो इस प्रकार की दस और छः और हैं जिनके हमें नाम याद नहीं रखना नाम याद रखना सिर्फ इन चारों के वही अगर हम आगे ये बात करते हैं उसी समय एक महीने बाद फिर से आवाज़ उठती है कि हमारा ज़िला भी बनाया जाए भाई तो कौन कौन यहाँ पर आवाज़ उठाते हैं जैसे कि उमरिया हरदा नीमच शहडोल के लोग कहते हैं कि ये अलग बनाए जाएँ हमारे ज़िले तो तुरंत एक महीने बाद तत्पश्चात उन्नीस सौ में एक और समिति बना दी जाती है सिंघ देव समिति और इसका काम रहता है सिंह देव समिति का कि भाई चलो भाई छः नए और ज़िले मतलब आप जो डिमांड आ रही है उसके अकॉर्डिंग और ज़िले बनाए तो सिंह देव समिति जो है अपना एक रिपोर्ट पेश करती है और वो कहते हैं छः नए ज़िले और बन सकते हैं साहब तो छः नए जिले बनते हैं तो पचपन के बाद उसी के एक महीने बाद छः नए और ज़िले बनाए जाते हैं कौन कौन से देख लीजिए जो आपको याद रखना है वो याद रखना है तीन याद रखना है तीन क्योंकि अब छत्तीसगढ़ चले गए एक है हरदा होशंगाबाद से अलग किया जाता है उमरिया शेडोल से अलग किया जाता है नीमच मंसूर से अलग करके बनाया जाता है बाकी तीन और हैं वो नाम आपको याद नहीं रखना इस प्रकार टोटल यहाँ पर दस एक महीने पहले बनाए जाते हैं और छः फिर और बनाए जाते हैं टोटल छः यहाँ पर बन जाते हैं जिसके बाद यहाँ पर इकसठ जिले हो जाते हैं मध्य प्रदेश में और बारह संभाग ठीक है क्योंकि यहाँ पे संभाग भी बढ़ते हैं शुरुआत में आपको पता है आठ संभाग थे बढ़कर इस समय बारह संभाग हो जाते हैं और इकसठ ज़िले हो जाते हैं इस प्रकार से मध्य प्रदेश में इकसठ ज़िले और बारह संभाग चल रहे हैं बढ़िया है तरीके से काम चलता है काफ़ी समय तक चलता रहता है ये काम और आ जाते हैं हम सन 2000 में तो सन 2000 में फिर आगे चल के छत्तीसगढ़ का विभाजन होता है लेकिन ये स्थिति सन 2000 तक ये स्थिति चलती रहती है इकसठ जिले और बारह संभाग मध्य प्रदेश में रहते हैं इस प्रकार से जो है ये स्थिति चलती रहती है तो देखिए दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा लेकिन अब आप, आप मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि अनअकेडमी ऐप पर आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं फ्री लाइव टेस्ट भी चल रहे हैं तो आप अनकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए सारी फैसिलिटी को ज्वाइन करने के लिए किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना होता है प्ले स्टोर में जाना है अन अकेडमी लर्निंग ऐप आप आपको सर्च करना है और इसको इंस्टॉल करना है इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने फ़ोन नंबर और या फिर आपकी ईमेल आईडी से लॉगिन करना है उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले दिखेगा यहाँ पर आपको करना यह है कि यहाँ पर देखिए तीन लाइनिंग दिख रही है इन तीन लाइनिंग पर जाना है और आपको क्लिक करने के बाद एम और व्यापम आपको सेलेक्ट करना है एम पी व्यापम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वेरियस प्लस कोर्सेज फ्री कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस चलती हैं इनको अटेंड कीजिए और अन एकेडमी एप्लीकेशन में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं आप यहाँ पर लाइव क्लास और क्रैश कोर्स जो आपके डेमो क्लासेस रहेंगी इनको आप लाइव डेमो क्लासेस भी अटेंड करने के साथ साथ आप पी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं पोल अटैम्प कर सकते हैं अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं टॉप एजुकेटर्स से और वहीं अगर बात करें फ्री टेस्ट तो आप देखिए वेरियस फ्री टेस्ट चलते हैं इन फ्री टेस्ट को आप लोग जो है फ्री में अटेंड कर सकते हैं काफ़ी अच्छी फैसिलिटी आप लोगों के लिए उसके बाद अगर हम बात करें कैसे आपको डेमो क्लास अटेंड करते हैं इसके फ़ीचर्स क्या होते हैं देखिए कुछ फ़ीचर्स ये होते हैं कि आप लोग लाइव क्लास के दौरान कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं आंसर भी बता सकते हैं कमेंट करके और साथ में आप पी भी डाउनलोड कर सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है पी डाउनलोड कर सकते हैं इसके साथ आपको मैं बता दूँ कि किस प्रकार से आप लाइव टेस्ट के फ़ीचर्स दे हैं तो जब भी आप लाइव टेस्ट देंगे तो आप अपना स्कोर भी देख सकते हैं आपका क्या स्कोर रहा है और साथ में आप एनरोल कर सकते हैं और आपका एनालाइज़ कर सकते हैं आप किस प्रकार से आपका कौन कौन सा आंसर गलत हुए और बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे लाइव टेस्ट में बहुत सारे फीचर्स हैं उसके बाद हम बात करें यहाँ पे फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस की तो देखिए यहाँ पर प्लस क्लासेस में आपको बहुत सारे फायदे दिए जाते हैं फ्री क्लासेस में कुछ लिमिटेड फायदे हैं जैसे कि आप लिमिटेड सिलेबस होगा यहाँ पे ओकेशनल प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं ओकेशनल पीडीएफ मिलेंगे आपको लिमिटेड डाउट वहीं अगर हम बात करें प्लस कोर्सेज में तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपको बहुत सारे फायदे हैं सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट है चाहे जितनी प्रैक्टिस करें पी नोट्स भी बहुत सारे अनलिमिटेड डाउनलोड कर सकते हैं और सभी डाउट आपके टॉप एजुकेटर द्वारा क्लियर करवाए जाएंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस कोर्स आप लोगों ने बहुत फायदे का तो आप सभी

कोर्स स्टार्ट हो रहा है इसको भी आप अटेंड कर सकते हैं सारी चीज़ें आप अटेंड कर सकते हैं इसके बाद देखिए आप लोगों को कैसे एडमिशन लेना है प्लस कोर्स कैसे खरीदना है वो मैं आपको बताऊंगा देखिए प्लस जब भी अन अकेडमी आप लोग डाउनलोड करेंगे आपको दिखेगा आप एक महीने से लेकर बारह महीने चौबीस महीने तक के प्लस कोर्स खरीद सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप लोग चौबीस महीने का प्लस कोर्स खरीदते हैं जो कि आपको पड़ता है बारह हज़ार आठ सौ रुपए का अगर आप हमारा प्रेफर कोड स्टडी आई कैन यूज़ करते हैं एस टी यू डी वाई स्टडी आई कैन ये कोड अगर आप यूज़ करते हैं इस नाम को एंटर करते हैं आप स्टडी आइकन को कहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर रेफरल कोड का ऑप्शन दिया है ना यहाँ पर आप स्टडी आइकन का कोड नाम डालते हैं स्टडी आइकन और आप आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको ये 24 महीने वाले कोर्स में 10 परसेंट का डिस्काउंट दिया जाएगा तो ये 10 परसेंट के डिस्काउंट में देखिए आप लोगों को ये कोर्स कितना हो गया ग्यारह हज़ार पाँच सौ बीस का मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा फ़ायदे की बात है आप बिल्कुल रेफरल कोड यूज़ करें स्टडी आइकन और इस कोर्स को परचेज़ करें फिर से एक बार कोड बता देता हूँ आपको मैंने एस टी यू डी वाई स्टडी आई कैन आई सी ए एन इस रेफरल कोड को यूज़ करना है आपको और यहाँ पर एंटर करना है और आपको 10 परसेंट डिस्काउंट दिया जाएगा अन अकेडमी की तरफ से तो ये वीडियो में मैं इतना ही आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ जय हिंद